आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2020 के पहले सप्ताह के बारे में। जानेंगे 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से आप इस समय को प्लान करोगे ताकि आप गलतियों से बच पाओ और अपने समय को बेहतर बना पाओ। तो आइए शुरू करते हैं। 1, 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और आपके राशि स्थान से अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी, जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्ट दे सकती है। काम का बोझ बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है आपके ऊपर, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अगर संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो वो बढ़ सकता है। हालांकि आपको यहाँ पर अचानक से धन लाभ होने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ स्थितियाँ आपके विपक्ष में भी जा रही हैं, यानी कि आपको मानसिक रूप से निश्चित रूप से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि चोट दुर्घटना की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ड्राइविंग करते हैं और फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बात करें 4 और 5 जुलाई की, चंद्रमा आपके धनु राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। और अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, अगर आप हाई एजुकेशन में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। इस समय आपके धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। हालांकि भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन यहां पर गुरु का वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ कार्यों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी, बाकी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। इस दौरान कोई छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा कैसे भी यात्रा हो सकती है। यात्रा करने से पहले आप अपने इष्ट देव को नमन करके जरूर निकलें, जिससे आपकी यात्रा सफल होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। चलिए बात करते हैं 6 और 7 जुलाई की। इस समय चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे और यहाँ पर शनि है और शनि वक्री है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा जॉब के लिए परेशान हो सकते हैं। प्रोफेशनल करियर के लिए थोड़ी सी बाधा यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो अंतिम के 2 दिन 6 और 7 जुलाई को आपका ध्यान आपकी जॉब पर रहेगा और इस दौरान यहाँ पर चंद्रमा आपके 4th हाउस को देखेंगे और आपका ध्यान घर के कार्यों में भी रहेगा, लेकिन फिर भी घर के दृष्टिकोण से घर का माहौल अच्छा होगा। अपनी माताजी के साथ आप अपने रिश्तों को बेहतर कर पाएंगे और अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आपके घर के बारे में विचार आपके दिमाग में जरूर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है और काफी कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं शुभ अंक और शुभ रंग की। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ रंग रहेगा भूरा। तो ये था मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2020 के पहले सप्ताह के बारे में।